हेलो दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था रेशो 10th क्लास के हिसाब से, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोपोर्शन। जैसे रेशो हमने पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से, वैसे मुझे पता है मैंने दो चीज़ें नहीं बताई थी। ए को बोलते हैं एंटीसीडेंट और बी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये चीज़ें मैंने नहीं दो चीज़ें नहीं बताई थी, वो आपको शायद पता होंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रोपोर्शन। वैसे 10th क्लास में इतना बताया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको कुछ अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, 10th के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बाद में हम आगे देखेंगे, आगे वेरिएशन में प्रोपोर्शन का बहुत ही यूज है, और हम प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ऐसे ही कुछ होता है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो हम यही पढ़ते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर स्पेलिंग गलत हो तो माफ करना, आप सही लिख देना। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग गलत हो सकती है, इतनी इंग्लिश मेरी खास नहीं है। वैसे मैंने पढ़ी है लेकिन लिखा से नहीं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको सबसे पहले, तो मैं आपको रेशियो के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि कोई भी चीज़ अगर ए रेशियो बी में आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कोई भी दो क्वांटिटीज हैं उनको हम कंपेयर कर रहे हैं, वो सेम किस्म की है या उनके दो सेम यूनिट्स हैं, उसके हिसाब से। अब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हम दो प्रोपोर्शन, जब हम दो रेशियो को इक्वल करते हैं, द इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियोज इज नोन एज प्रोपोर्शन। ये तो सिर्फ मैंने इंग्लिश में बता दिया, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए कैसे, कॉन्सेप्ट कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि दो प्रोपोर्शन, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, कुछ लोगों को डेफिनेशन अच्छी लगती है। तो इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। हमेशा याद रखना कि हम प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, दो रेशोज को इक्वल करते हैं। देखिए प्रोपोर्शन को हम, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रोपोर्शन को हम लिख कैसे सकते हैं, बाद में आपको मैं फुल कॉन्सेप्ट देता हूँ। देखिए प्रोपोर्शन को आप बहुत तरीकों से लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका, तरीके नंबर वन, ठीक है, ए रेशो बी, इस साइन को प्रोपोर्शन कहा जाता है, इस साइन को प्रोपोर्शन, सी रेशो डी। ठीक है, दूसरा तरीका, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तीसरा तरीका, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो ये सारे तरीके हैं, इन तरीकों से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तरीके हैं। अब मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये डेफिनेशन है इसकी, लेकिन डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझे, वो क्या कहना चाहते हैं उसको समझे, उसी को हम स्टडी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी बोलेंगे उसको हम। ठीक है, तो वैसे मैं इंग्लिश के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज। देखिए कैसे, सपोज करो मैं एक रेशियो बनाता हूँ 5:3, किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंस करना है 5:3 किसके। अभी एक और चीज बताना भूल गया, सॉरी माफ करना, इनके जो, अब ये जो चीज है ना, बी और सी, बी एंड सी,
अर्काल मींस, ये जो बी और सी है इनको मीन कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा ए और डी, ए एंड डी, आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, ऐसे ही कुछ है एक्सट्रीम्स, ठीक है। गलत हो तो लिख लेना। एक्सट्रीम्स बोलते हैं, वैसे प्रोनाउंसिएशन सही है, एक्सट्रीम्स बोलते हैं क्योंकि ये बाहर होते हैं, और मीन बोलते हैं क्योंकि ये बीच में होते हैं, तो इस वजह से इनको मीन कहा जाता है और इनको एक्सट्रीम कहा जाता है। इससे पहले भी मैं एक आपको बहुत ही बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, तभी तो आपको प्रोपोर्शन समझ में आएगा कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, मतलब के ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर आएगा एक्सट्रीम के मल्टीप्लीकेशन के, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये हमेशा याद रखना है आपको कि अगर हम मीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगा किसकी मल्टीप्लीकेशन के, एक्सट्रीम्स के मल्टीप्लीकेशन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लें, मैं मिटाने जा रहा हूं, ये याद रखना हमेशा। अब देखिए, हम ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, अगर मैं सपोज करो 5:3 लेता हूं तो ये किसके बराबर होगा, यही तो हमें चाहिए कि ये किसके बराबर होगा। तो 5:3 बराबर होगा 3:5:3 के। कैसे, देखिए अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं और इसको इससे, देखिए 5 × 3 इज इक्वल टू 3 × 5, तो 15 तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। देखिए जैसे मैं दूसरा बताता हूं, 9:2 बराबर किसके होगा, 6:9 बराबर होगा 2:3 के। कैसे, देखिए अब मैंने तो यहां सेम रेशो लिखा था लेकिन यहां सेम नहीं है, अब कैसे बराबर होगा, देखिए अगर मैं एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 6 × 3 इज इक्वल टू 9 × 2, तो देखिए ये कितना होगा 18 होगा और ये कितना होगा 18 होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब एक छोटा सा दूसरा प्रॉब्लम करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, कॉन्सेप्ट और अच्छा बने, ठीक है।
ठीक है, मैंने आपको कहा ना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये आपको हमेशा याद रखना है मरते दम तक, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, सपोज करो 3:5 है इज इक्वल टू 4:x, तो फाइंड वैल्यू ऑफ x, आप क्या करेंगे? सोचिए सोचिए क्या करेंगे, पास करके बाद में कीजिए, तो मैं करता हूं यहां, तो आप क्या करेंगे? जैसे मैंने कहा ना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये वाला फार्मूला लगाइए ना, क्या ये वाला फार्मूला लगाइए, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 3:x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 5:4, तो x की वैल्यू क्या होगा 20/3, तो x की वैल्यू ये होगी। वेरीफाई कीजिए, बाय वेरिफिकेशन देखिए 3:20/3 इज इक्वल टू 5:4, ये 3:3 से कैंसिल, 20 इज इक्वल टू 20, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रख दी, बस वेरिफिकेशन हो गया। तो ऐसे कहीं भी आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, यहाँ कोई भी एक्स की जगह दिया गया है, कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, वाई जेड टी यू वी डब्ल्यू कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इस तरीके से काम करना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये आगे भी वेरिएशन बहुत यूज होगा बेटा। तो मैंने 10th क्लास के, जैसे हमने पिछले वीडियो में 18 पॉइंट, वैसे मैंने 8.1 एक्सरसाइज लिखा था, लेकिन वो 18.1 थी, वो मैंने साइड में लिख दिया था। तो 18.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का 1 में 1 और एक क्वेश्चन नंबर 4 शायद है, वो करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दोनों यहीं पर लिख देता हूँ, 2x+5:5 प्रोपोर्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, 3x-2:7, और दूसरा है, दो ही क्वेश्चन में कर रहा हूँ, a²-ab+b², ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, a³(a³-b³)/a-b)(a+b)²। सबसे पहले तो हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये कैसे होगा, ऐसे करते हैं इसको साइड में यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को a²-ab, इतनी देर नहीं लगाऊंगा, b²(x=a³+b³)/a-b)², नहीं देर लगी, देखिए ये क्या, यही था ना, हाँ बिल्कुल यही था। तो देखिए अब मैंने कहा था ना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये वाला फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इसको इसके साथ 7 के साथ और इस 5 को इसके साथ, तो 5 into, देखिए इसमें हमें क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 7 into प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 2x+5 इज इक्वल टू 5 into
3x माइनस 2, ऐसे ही करना है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 14x, ठीक है, और प्लस 35, ठीक है, इज इक्वल टू 15x और माइनस 10। ऐसा करें, 14x को इस तरफ लेकर जाएं और 10 को इस तरफ लेकर आए। सपोज करो ये 15x है और ये प्लस के हैं, वहां जाकर माइनस के बन जाएंगे, ऐसा ही होगा। यहाँ दे दें, कोई बात नहीं है, 35 है, ये माइनस के हैं, उस तरफ जाकर प्लस के बन जाएंगे, इस तरह लिख दिया मैंने। तो यहाँ x और ये 45, तो x की वैल्यू क्या आई, 45 आई। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ फार्मूलाज मैं आपको बताऊंगा। अब इसको मैं मिटा देता हूं, ये क्वेश्चन देखिए, तो यहां भी सेम फार्मूला लगाएं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, याद रखना। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इनटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वल टू दें या फिर रेशो का वो फोर डॉट्स होते हैं वो दें, एक्स इनटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। अब देखिए, हमें x को अकेला करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये यहां डिवाइड कर रहा है तो वहां जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और ये यहां मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहां जाकर डिवाइड करेगा। तो देखिए, ए स्क्वायर x यहां लिख दें, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये डिवाइड कर रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा ए माइनस बी, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहां डिवाइड करेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यहां लिख देता हूं, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला पढ़ा है, और दूसरा ये भी होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों फार्मूले हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ यही एक फार्मूला लगेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये x ए स्क्वायर माइनस ए बी को सेम पढ़ा रहने दें, ठीक है, इसमें से ए प्लस बी होल का स्क्वायर और a माइनस बी भले पड़ा रहे, डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये फार्मूला यहाँ पुट कर दें इसकी जगह, ये वाला फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर सेम है। देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, सेम है दोनों, ये a प्लस बी है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एक है, तो एक एक से गया, x इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ये भी एक फार्मूला है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूलाज हैं, अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता तो याद कर लीजिएगा। तो ये बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। आई होप कि आपको जितना भी मैंने पढ़ाया वो सब कुछ समझ में आया होगा। तो पढ़ाई करते रहें, वेरी ऑल द बेस्ट, वेरी ऑल द बेस्ट, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।